हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन फिजिक्स क्लासेस कंडक्टेड बाय अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं क्लास प्लस वन का यूनिट फोर में से वर्क एनर्जी पावर चैप्टर से। ठीक है, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एक्चुअली ये जो पोटेंशियल एनर्जी है नॉट डिफाइंड एग्जैक्टली, इसे कहते हैं एग्जैक्टली हम डिफाइंड नहीं करते। वैसे तो हम बोल देते हैं कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसमें कनेटिक एनर्जी है, लेकिन अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उसमें क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। बट एक्चुअल में फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं किया जाता। डिफाइन किसको किया जाता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो चेंज होता है पोटेंशियल एनर्जी में उसे हम एग्जैक्टली डिफाइंड करते हैं। जो एग्जैक्टली डेफिनेशन होती है वो है कितना चेंज आया है पोटेंशियल एनर्जी में, उसकी डेफिनेशन होती है। सिंपल पोटेंशियल एनर्जी को कोई डिफाइन नहीं करता। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है? डेट मीन्स डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो फिजिक्स में डेफिनेशन है हमेशा याद रखना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसके इक्वल आएगी? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये मेन डेफिनेशन है किसकी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमेशा याद रखना, व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? इट इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, मींस ये जो डेल्टा यू है ये डिफाइंड नहीं होता, इज नॉट डिफाइंड फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए कभी भी डिफाइंड नहीं होती। ठीक है, एग्जांपल्स हो गई, मैंने लास्ट टाइम करवाई थी। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं? फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, टेंशन फोर्स, इलास्टिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारी की सारी किसकी एग्जांपल्स हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस की। सो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है हमेशा याद रखना है, ये डिफाइंड होती है सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ये कभी भी डिफाइंड नहीं होती। और जो डेफिनेशन है उसकी क्या है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं, डैट मीन्स पोटेंशियल, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है उसको और हम कैसे कह सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इनिशियल इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। हम इस तरह से भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब यही है ना, किसी चीज़ में चेंज होना, मतलब फाइनल में क्या चेंज हुआ, इनिशियल क्या था उसको माइनस कर देते हैं। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय सी का मतलब क्या है यहाँ पर? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, सो ये हमारा मेन फॉर्मूला बन जाता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो उस फार्मूले को हम डिराइव कैसे कर सकते हैं? मान लेते हैं यहाँ पर है हमारी एक ग्राउंड सरफेस, ये है हमारी ग्राउंड सरफेस, और थोड़ी हाइट पर यानी कि h1 हाइट पर जाकर
एक बॉडी है जिसका मास है m, और वही बॉडी जो है ग्राउंड से लेकर एक और हाइट है, उस हाइट की वैल्यू है ग्राउंड से लेकर कितनी ऊपर तक, h2 हाइट। तो मास जब जहाँ पर पहुँच जाएगा तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी h2। पहले बॉडी यहाँ पर थी ग्राउंड सरफेस से तो उसकी हाइट h1, फिर जब थोड़ा और ऊपर चली गई तो हमने मान लिया ग्राउंड से लेकर उसकी वहाँ तक की जो हाइट है कितनी हो गई h2। यानी ये जो हाइट है बची ये कैसे निकाल सकते हैं, टोटल हाइट में से माइनस जो हमारी स्टार्टिंग वाली हाइट थी, इसी तरह से निकाल सकते हैं ना हाइट। और जो वेट होता है बॉडी का हमें पता है एक्ट करता है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो मान लेते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला वैसे सिंपली क्या होता है, एम जी एच, यही फार्मूला पढ़ते आए ना छोटी क्लासेस में, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू एम जी एच। तो इस केस में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमारी, फाइनली तो वो ऊपर गया ना, एम जी हाइट कितनी आएगी अब h2, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी एम जी h1। ठीक है, तो यही फार्मूला अब हम यूज़ करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू एफ माइनस यू आई मीन्स फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल्स टू एम जी एच टू माइनस ऑफ एम जी एच वन। तो एम जी हम कॉमन निकाल देंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा एच टू माइनस एच वन। सो ये आ जाएगा हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये आ जाएगा हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम और क्या लिख सकते हैं, हमने अभी पीछे पढ़ा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जगह हम ये लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि ग्राउंड से जा रहे हैं तो ग्राउंड से ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रही है। सो एम जी एच टू माइनस एच वन। ठीक है, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आप नेगेटिव साइन इधर भी लेकर जा सकते हो, और कंजर्वेटिव फोर्स जहाँ पर कौन सी बात हो रही है ग्राउंड की यानी ग्रेविटेशनल की, तो डब्ल्यू सी की जगह हम डब्ल्यू जी भी लिख सकते हैं, और नेगेटिव साइन हम इधर भी लेकर जा सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा कुछ इस तरह से, डब्ल्यू जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम जी इंटू एच टू माइनस एच वन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। सो अगर आप किसी लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हो कि लार्ज अमाउंट ऑफ चेंज हुआ किसी पोटेंशियल एनर्जी में, तो उसे हम लिख सकते हैं इस तरह से डेल्टा यू से विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डब्ल्यू सी। अगर छोटा सा चेंज हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में तो उसे हम लिख सकते हैं डी यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी डब्ल्यू सी, वेयर डी किसके लिए हम यूज़ करते हैं, स्मॉल चेंज के लिए, और डेल्टा किसके लिए हम यूज़ करते हैं, लार्ज चेंज के लिए। ठीक है, और लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, इनकी अगर नेट अमाउंट ऑफ आपने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी हो तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, अब वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का फार्मूला लगा देंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क की जगह। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज आ जाएंगी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। सो ये भी फार्मूला किसके लिए यूज़ होगा, फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसके रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल से आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है सपोज करो, कहते सपोज करो आपके पास फोर्स की वैल्यू दी है 2x, एफ इक्वल्स टू 2x, एंड पोटेंशियल एनर्जी दी है एट x इक्वल्स टू 1 इज 10 जूल। ठीक है, आपको फोर्स एफ की वैल्यू दी हुई है 2x और पोटेंशियल एनर्जी दी है एट एक्स इक्वल्स टू 1 इज 10 जूल्स, और आपको बोला जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो एट एक्स इक्वल्स टू 2 पर, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करो।
तो आप कैसे फाइंड करोगे? देखो, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि यहाँ पर ही होगी, इनिशियल आपको एक्स इक्वल्स टू 1 दी है, फाइनल एक्स इक्वल टू 2, तो एफ की जगह फाइनल की जगह लिख सकते हो यू 2, और इनिशियल दी है एट एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ पर लिख सकते हो u1 माइनस ऑफ। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट dx, ठीक है। और लिमिट्स आपको फिर से आप फिर कर सकते हो 1 से लेकर 2 तक, लिमिट्स आपको ऑलरेडी दी हुई है 1 to 2, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम एक्स डेरिवेट कर रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन है। अब उसके बाद देखिए, पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स इक्वल्स टू यू टू, वो हमें दी नहीं, वो हमने फाइंड करनी है। माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स इक्वल्स टू 1, वो तो हमें ऑलरेडी गिवन है, यानी कि यहाँ पर यू 1 की जगह क्या आ जाएगा, 10। माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 1 to 2, फोर्स एफ की वैल्यू कितनी है, 2x इंटू dx। अब 2 बाहर आ जाएगा, x की इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, लिमिट्स 1 to 2, माइनस ऑफ 2। अब x की इंटीग्रेशन क्या है, एक्स स्क्वेयर बाय 2, लिमिट्स फिल कर दो 1 से लेकर 2 तक। अब 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, एक्स की स्क्वेयर 1 to 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा फिर, माइनस, और अब इसकी लिमिट्स फिल कर दो। लिमिट्स कैसे फिल करेंगे, 2 की वैल्यू फिल करो पहले, 2 का स्क्वेयर माइनस ऑफ 1 का स्क्वेयर, यानी आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ इधर 4 माइनस 1, ठीक है। तो यानी आपके पास क्या वैल्यू आएगी, u2 माइनस 10 इक्वल्स टू 4 माइनस 1, 3, सो माइनस ऑफ 3, ठीक है, इधर लिख देते हैं। अब u2 इक्वल्स टू -3, ये 10 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो u2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 में से 3 गए 7 जूल। सो जो पोटेंशियल एनर्जी थी हमारी एट एक्स इक्वल्स टू 2 पर, वो कितनी आ जाएगी, 7 जूल। अभी हम एक और क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। फोर्स एफ आपको दी हुई है अब 3i कैप प्लस 4j कैप की फॉर्म, ठीक है, और आपको बोला गया है पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो एट 0, 1 इक्वल्स टू 10 जूल गिवन है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी जो है एट 2, 3 पर हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखो, हमें टर्म्स गिवन है दो वेरिएबल्स में, आई कैप किसके अलॉन्ग होता है, एक्स एक्सिस के, और जे कैप होता है वाई एक्सिस के। और पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है 0, 1 पर, कहते 10 जूल है, और 2, 3 पर हमने फाइंड करनी है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो सॉल्यूशन कैसे है। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यही फॉर्मूला था ना। तो अब ये जो 0, 1 और 2, 3 है, यानी कि ये वैल्यू एक्स की है और ये वैल्यू वाई की है, ये वैल्यू एक्स की है, ये वैल्यू वाई की है, यानी कि एक्स की वैल्यू आपको दी गई है 0 से लेकर 2 तक, और वाई की वैल्यू दी गई है 1 से लेकर 3 तक। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू, अब वर्क डन पे फॉर्मूला लगा दो फोर्स का, इंटीग्रेशन ऑफ, अब दो वेरिएबल्स हैं तो दो फोर्सेस आएंगी, एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई, ठीक है, ये अब हमारे दो वेरिएबल्स आ गए। अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल वाली, हमें पोटेंशियल एनर्जी गिवन है कितनी दी है, 10 जूल,
और फाइनल वाली हमने फाइंड करनी है, तो इनिशियल वाली की जगह हमने 10 की वैल्यू फिल कर दी। नेगेटिव ऑफ एफ कितनी वैल्यू है फोर्स की, एक्स वेरिएबल में 3, इधर आ जाएगा आपका 3 dx। लिमिट्स आपको कितनी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमें गिवन है वो हमने वैल्यू फिल कर दी। अब एफ एक्स यानी कि एक्स वाली टर्म है 3i कैप, और उसकी वैल्यू फिल कर देंगे 3 dx, और लिमिट्स एक्स की कहाँ से कहाँ है, 0 से 2, प्लस एफ वाई वाली लिमिट कौन सी है, 4j कैप वाली, तो वहाँ पर आ जाएगी 4 dy, और वाई की लिमिट्स दी है 1 2 3। तो इसको डेरिवेट करो, इंटीग्रेट करो, सॉरी, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, आपके पास 3 कांस्टेंट है बाहर, और डेरिवेशन उसकी जो वैल्यू है इंटीग्रेशन की वो आएगी 0 to 2, और एक्स की, इसकी इंटीग्रेशन dx की क्या होती है, एक्स। सिमिलरली 4 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन, अब यहाँ dy है तो यहाँ पर आ जाएगी y, लिमिट्स 1 2 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, वैल्यूज फिल कर दो। 2 - 0 लिमिट्स को फिल कर दिया, इधर आ जाएगा 3 - 1। ठीक है, तो ये अंदर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 4 into 2, यानी आपकी वैल्यू आ जाएगी 3 2 = 6 और प्लस 4 2 = 8, मीन्स आपकी जो वैल्यू इधर आ जाएगी दैट इज -14। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी -10 = -40। ठीक है, इस साइड मैं सॉल्व कर देती हूँ। सो पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल है वो कितनी हो जाएगी, 10 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो दैट मीन्स आपकी जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी आ जाएगी, -4 जूल्स, ये आ जाएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? इस तरह से आपको न्यूमेरिकल्स जो है वो पूछ सकते हैं। सो ये याद रखना है कि अगर हमें आई कैप जे कैप में दे दिया है तो घबराना नहीं है, सिंपली एक को एक्स टर्म मान लेना है, एक को वाई टर्म मान लेना है, और उनकी लिमिट्स आपको ऑलरेडी गिवन होगी, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल में, तो उनकी लिमिट्स भी फिल करके उनको एक्स और वाई वेरिएबल्स को अलग अलग करके उनको हमने क्या कर देना है, डेरिवेट कर देना है, और सम सॉल्व हो जाएगा। सो लास्ट में बच्चे हमारा आ जाता है होमवर्क। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। आपने डिफाइन करना है पोटेंशियल एनर्जी क्या है, फिर आपने करना है एग्जैक्ट फॉर्मूला बताना है पोटेंशियल एनर्जी का क्या है। देन थर्ड क्वेश्चन इज कि हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं किस टाइप की फोर्सेस के लिए, कंजर्वेटिव के नॉन कंजर्वेटिव, वो आपको बताना है। और लास्ट में दो आपको न्यूमेरिकल्स मैंने दिए हैं, इनको सॉल्व करना है, और ये न्यूमेरिकल बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे हैं जैसे मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। ठीक है, सो अच्छे से वीडियो देखनी है तभी आप ये आसानी से न्यूमेरिकल जो है सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? थैंक यू।